देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं जो राजनांदगांव से इस वक्त मिल रही है। राजनांदगांव के मानपुर में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। मुठभेड़ में चार नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, एसपी के साथ अधिकारियों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। मुठभेड़ में चार नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, एसपी के साथ अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। सुप्रिया पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, एक जवान शहीद हुआ है, एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है और कुछ नक्सलियों को ढेर किया गया है, और क्या ताजा स्थिति इस वक्त मौके पर? माओवादियों और पुलिस के बीच में कल देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास मुठभेड़ की घटना हुई है, जिसमें थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा जो है वो शहीद हो गए हैं। ये जो टीम है वो सर्चिंग पर निकली पुलिस पार्टी और माओवादियों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। राजनांदगांव एसपी जितेंद्र शुक्ला ने करीब रात 1:30 बजे थाना प्रभारी शर्मा के शहीद होने की पुष्टि करते हुए बताया है कि मुठभेड़ मानपुर के ग्राम परदौनी से लगे जंगल में हुई है। यह इलाका जो है घोर माओवाद प्रभावित है। साथ ही जानकारी के मुताबिक यदि खबर सामने आ रही है कि पुलिस की टीम थाना जो प्रभारी है श्याम किशोर शर्मा, उनके नेतृत्व में जंगलों में सर्चिंग के लिए निकली थी। उसी दौरान जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों का सामना करना अभी क्या स्थिति है सुप्रिया? अभी जो स्थिति है वो अभी मुठभेड़ नहीं हो रही, अभी मुठभेड़ जो है वो थम गया है, लेकिन एक जवान के शहीद होने की खबर पर जो राज्यपाल और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने दुख जताया है। बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में अब बात कोरोना के कहर की।